प्यारी बहनों, भाइयों, मेरे भाई राहुल जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, अमेठी के कांग्रेस परिवार के सभी साथी, सभी कार्यकर्ता, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जगदीशपुर है, मैं 13 साल की थी जब पिताजी के साथ यहीं से कुछ किलोमीटर दूर तातारपुर के एक छोटे गांव के पास हम रहते थे और वहां से अपने पिताजी के जीप में उनके साथ बैठकर गांव-गांव में जाते थे। आप सब से बात करते थे, आपकी समस्याओं को समझते थे। आज कुछ ही दिनों में मैं 50 साल की होने वाली हूं। ये एक बहुत पुराना रिश्ता है आपके साथ। आपने निभाया, हमने निभाया। मैं हमेशा यहां आती थी तो मैं हमेशा कहती थी, राजनीतिक रिश्ता नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है, जज्बात का रिश्ता है। और वो रिश्ता आज भी कायम है। आपसे कोई शिकायत नहीं है, न कभी हो सकती है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि चाहे कोई कितना भी समझाए, सच छिप जाता है। जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो इंसान को अपने ही अनुभव से, अपने ही एहसास से सच्चाई पहचाननी पड़ती है। ऐसी परिस्थितियां बनी, इससे आप भी सीखे, हम भी सीखे। आपने हमें एक संदेश दिया, हमने उस संदेश को स्वीकार किया और आज अगर हम यहां आपके सामने खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं क्योंकि कोई भी परिस्थिति आए, आपके और हमारे बीच का रिश्ता कभी टूट ना पाया। पिछले चुनाव में यहां एक झूठ का जाल फैलाया गया। उस जाल को किसने फैलाया? उन्हीं लोगों ने फैलाया जो देश भर में पिछले 2.5 सालों से, उससे पहले पिछले 5 सालों से, 7.5 सालों से झूठ का जाल फैला रहे हैं। आप में बहुत विवेक है, पहचानिए क्या हो रहा है। 2.5 सालों में क्या हुआ, जब से ये उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनी, जब से देश में नई सरकार बनी। नहीं, सिर्फ हम 7 सालों की बात नहीं, हम 2.5 साल की बात करते हैं। क्या हुआ? सबसे पहले कोरोना काल आया, कोरोना की पहली लहर। उस समय अचानक लॉकडाउन किया गया, तमाम अमेठी के वासी अलग अलग प्रदेशों में फंसे थे। मुझे याद है रात के 2-3 बजे तक हम सब मंच में बैठे, अनेक नेता, बहुत सारे मेरे यहाँ के कार्यकर्ता, प्रदीप सिंगल जी, हम सब फोन पे रहते थे 2-2.5 बजे तक। सुबह उठ के 6 बजे से शुरू अमेठी से फोन आते थे, रायबरेली के लोगों से फोन आते थे, कोई सूरत में फंसा था, कोई मुंबई में फंसा था, कोई मणिपुर में फंसा था, कोई छत्तीसगढ़ में फंसा था, कोई झारखंड में फंसा था। और सब जब हम फोन लगा के उनसे बात करते थे, रो के कहते थे, दीदी हमें कोई मदद नहीं कर रहा है, हमें घर जाना है दीदी, हमें बस इतनी मदद कर लो, हमारे परिवार तक पहुंचा लो। कहां थी ये भाजपा की सरकार? कहां थी आपकी सांसद? कहां थी? क्या आपकी मदद की जब कांग्रेस पार्टी ने कहा थी कि तुम बसों का इंतजाम नहीं कर रहे हो, तुम लोगों को घर पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हो, जबकि आपकी जिम्मेदारी है, हम करते हैं। हमने बस खड़ी की, क्या नहीं दी वो बस, उनको ठुकरा दिया गया। कोरोना की दूसरी लहर आई, क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी थी,
यहाँ पे मौजूद मेरे साथी हैं, हमने कितना प्रयास किया कि हम छत्तीसगढ़ से यहाँ अमेठी के लिए, रायबरेली के लिए ऑक्सीजन की ट्रक भेजें, प्रशासन ने मना किया। यहाँ ऑक्सीजन से लोग दम तोड़ रहे हैं, हम ऑक्सीजन भेजने के लिए तैयार हैं, हमारी ट्रक को आने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि राजनीति कर रहे थे। हमने कहा कोई बात नहीं, जब हम बस भेज रहे थे तब भी कहा, जब हम ऑक्सीजन भेज रहे थे तब भी कहा, कोई बात नहीं। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी भेज रही है, इसमें नाम नहीं लिखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, मीडिया को नहीं बताएंगे। आप ऑक्सीजन के सिलेंडर ले लीजिए, डीएम साहब से कहा आप ले लीजिए, रख लीजिए, लोगों को की मदद करिए, फिर भी मना किया। बड़ी मुश्किल से, बहुत संघर्ष के बाद रायबरेली में उन्होंने स्वीकार किए ऑक्सीजन के सिलेंडर और लोगों की मदद की। कोरोना के बाद क्या हुआ? किसान का आंदोलन शुरू हुआ। आपने देखा देश भर में किसान त्रस्त है। आप मुझे बताइए, आपको खाद मिल रही है सही दाम पे? मैं ललितपुर गई हूं उन परिवारों के पास जिनके सदस्य खाद की लाइन में खड़े होकर जिनकी मृत्यु हो गई है। लाइन छोड़ने के लिए डर लग रहा था कि हम लाइन छोड़ देंगे तो हमें खाद नहीं मिलेंगी। घर नहीं गए, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, वहीं पे गिरकर मर गए। मैं उनके घर गई हूं। ये सरकार आपको खाद भी नहीं दिलवाती, बल्कि उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो देखते हैं वितरण केंद्र में क्या हो रहा है। क्या पता चला? सरकारी वितरण केंद्र बंद, प्राइवेट वाले खुले हैं। प्राइवेट वाले में बड़ी बड़ी लाइनें हैं, खाद नहीं मिल रही है। क्या मतलब है इसका, सोचिए। ये बहुत गहरी बात है, मैं अभी समझाऊंगी आपको। आपके पास यहाँ पे आवारा पशु की समस्या है कि नहीं है? सरकार ने क्या किया इसको सुलझाने के लिए? आपने कल परसों देखा गौशालाओं के नाम पे क्या हो रहा है, ट्रकों में ले जाकर गाय को दफनाया जा रहा है। सांस ले रही है गाय, उसके ऊपर रेती लगा रखी है, दफनाया गया है जिंदा। ये हो रहा है आपके प्रदेश में। जब बताइए, आज किसान इतना त्रस्त है, आपको गेहूं का दाम नहीं मिलता, आपको खाद नहीं मिलता, जहां गन्ना उगता है उनको सही दाम नहीं मिलता, आवारा पशु से आप त्रस्त हैं, कोई आ रहा है आपकी मदद के लिए? तो सच्चाई क्या है इस सरकार की? लखीमपुर खेरी में क्या हुआ? किसानों को पहियों के, गाड़ी के पहियों के तले मारा गया। किसने मारा? बहुत अच्छा, सब जानते हैं किसने मारा और किसके साथ मंच पे खड़ा होता है वो, किसके साथ मंच पे खड़ा होता है। आज तक उसको किसने बर्खास्त नहीं किया है? तो सच्चाई आपके सामने है। मैं हमेशा कहती हूँ अमेठी और रायबरेली की जनता में बहुत विवेक है, बहुत समझदारी है। सच्चाई आपके सामने आपको साफ दिख रही है। जो विज्ञापनों पे लिखा है वो झूठ है, असलियत आप जी रहे हैं। आज मेरी बहनें बैठी हुई हैं यहाँ, कौन बोझ उठाता है समाज का बताइए? आप उठाती हैं ना? आपको गैस सिलेंडर मिल रहा है, आप खरीदने जाएं तो कितने का मिलता है? 1000 रुपए का सिलेंडर। सरसों का तेल कितने का मिल रहा है? 200 रुपए का। पेट्रोल डीजल कितने का मिल रहा है? आपको ये सरकार चाहिए? आपको ऐसी निर्मम सरकार चाहिए? आपको ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए जो गन्ना का बकाया नहीं दे सकते, खाद का दाम कम नहीं कर सकते, आपको गेहूं का दाम सही नहीं दे सकते, धान का दाम सही नहीं दे सकते, लेकिन 8000 करोड़ के रुपए के हवाई जहाज में उड़कर आपके यहां वाराणसी में नौटंकी करने आ सकते हैं? सबकी आस्था होती है, सबकी आस्था होती है, सबका धर्म होता है, सब दिखावा नहीं करते।
सब उस धर्म का इस्तेमाल नहीं करते। आप समझ लीजिए किस तरह हर चुनाव में सिर्फ सांप्रदायिक बातें और जातिवाद की बातें होती हैं। मैं पूछती हूं कि चुनाव में आप ये बात क्यों नहीं करते कि आपने क्या किया? 70 सालों की बात करते हैं ना, 7 सालों में क्या किया दिखाइए, दिखाइए। मैं बताती हूँ अमेठी में क्या किया गया। यहाँ BHEL, SEL, HAL, यहाँ पे फुर्सतगंज, यहाँ पे तमाम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी। किसने लगाई? बंद किसने की? यहाँ पे फूड पार्क लगने जा रहा था, कहीं और कहा किसने भेजा? रायबरेली में एम्स खुला है, किसने खोला? और बंद कौन करा रहा है? कैसे व्यवस्था नहीं कर रहे हैं वहां कोरोना के समय भी? तो सच्चाई आपके सामने है। मैं जानती हूं कि इस सच्चाई को आप देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं। सिर्फ आप नहीं, पूरा प्रदेश समझ रहा है, पूरा देश समझ रहा है। आज महंगाई से कौन मर रहा है? संघर्ष कौन कर रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि मोदी जी के दोस्त कर रहे हैं। आपको लगता है? जितने भी बड़े बड़े सरकारी कंपनियां बनी जो कांग्रेस द्वारा बनाई गई, क्या किया जा रहा है उनका? किसको बेची जा रही है? मोदी जी के बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को बेची जा रही है। आपको फुसलाया जाता है। कल एक बहुत बड़ी मीटिंग की, सब निषादों को बुलाया, बोला कि आरक्षण की बात होगी, कि नहीं की बात। क्यों? क्योंकि वोट बैंक बना रखा है आप लोगों को। चुनाव के समय सिर्फ आपको बुलाते हैं, आपका इस्तेमाल किया जाता है। इनकी पूरी सरकार में फायदा सिर्फ इनके उद्योगपति मित्रों का हुआ है, तरक्की सिर्फ उनके उद्योगपति मित्रों की हुई है, विकास सिर्फ उद्योगपति मित्रों का हुआ है। सिर्फ भाजपा के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो और उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र वही फूल रहे हैं, फल रहे हैं। आप त्रस्त हैं, परेशान हैं, और मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ, बदल डालिए ये सरकार, बहुत हो गया है, बदल डालिए इनको। सबक सिखाना है तो इनको सिखाइए, आपके सामने ना आए एक बार फिर अगर आपके विकास की बात नहीं करेंगे, अगर ये नहीं बताएंगे कि आपके लिए क्या करना चाहते हैं। और इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं। किसानों का पूरा कर्जा माफ कांग्रेस करेगी। 2500 रुपए में गेहूं और धान खरीदेगी। 400 रुपए पाएगा गन्ना का किसान। आप सबकी बिजली बिल हाफ की जाएगी। जिन दुकानदारों और छोटे व्यापारियों ने कोरोना काल में बिल भरी लेकिन उनका व्यापार नहीं हो पाया, उन सब का बकाया माफ किया जाएगा। कोरोना की मार जो आर्थिक मार है सबसे ज्यादा जिन परिवारों को हुई, उन्हें 25,000 रुपए दिए जाएंगे। 20 लाख नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, इसमें से 8 लाख रोजगार महिलाओं को दिए जाएंगे। अगर कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, तो 10 लाख का इलाज सरकार कराएगी। मेरी बहनों सुन लो, आपके लिए हम क्या करना चाहते हैं और मौका दो करने का। आपके लिए सबसे पहले आपको राजनीति में भागीदार बनाने के लिए, आपको सशक्त बनाने के लिए 40% टिकट महिलाओं को मिलेंगे। छात्राओं को क्या मिलेगा? स्मार्टफोन और स्कूटी। क्यों मिलेंगे? क्यों मिलेंगे? आपकी सुरक्षा के लिए और आपको सशक्त बनाने के लिए। आपको एक गैस सिलेंडर देके खुश है ना? सरकार कहती है महिलाओं को एक गैस सिलेंडर दे दो, बस हमारी जिम्मेदारी खत्म, महिलाओं का वोट मिल जाएगा। मैं कहती हूं महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो,
महिलाओं को मदद करो, महिलाओं को रोजगार दो, राजनीति में लाओ और एक सिलेंडर नहीं 3 गैस सिलेंडर आपको देंगे हम। मैं जानती हूं कि आज विधवा पेंशन बहुत कम है, उसे हम 1,000 रुपए तक बढ़ाएंगे। आंगनवाड़ी और आशा बहुएं, आंगनवाड़ी की मेरी बहनें, आशा बहुएं, आपके लिए 10,000 रुपए का प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। और अपनी बहनों को सशक्त बनाने के लिए हर जिले में हम वीरांगना विद्यालय शुरू करेंगे, जिसमें आपको दक्षता, आपको शिक्षा और आपको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये सब काम हम आपके लिए करना चाहते हैं और इसके साथ इससे भी ज्यादा काम करना चाहते हैं। आप मौका दीजिए और समझदार बनिए। बहुत हो गया है, बहुत गुमराह कर लिया है आपको। जागिए, जागरूक बनिए, जैसे हमेशा रहे हैं आप। जितनी भी राजनीति हम जानते हैं, जो भी हमने सीखा है, किसने सिखाया? आप सबने सिखाया। 13 साल की उम्र से यहाँ आ रहे हैं, आपने सिखाया कि राजनीति सेवा होती है, आपने सिखाया कि काम करना पड़ता है लोगों के लिए, आपने सिखाया कि लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए घर घर जाना चाहिए, उन्हें मदद करनी चाहिए। आप ही ने सिखाया कि जो भी हम हैं आप ही की वजह से हैं। आज एक बार फिर बहुत दिनों बाद यहाँ आकर बहुत ही खुशी हुई और मुझे गर्व है कि मैं भी अमेठी के परिवार की एक सदस्य हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।